हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंड प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंड बॉय। दोस्तों, आज मैं आपको रिलेशनशिप के रिलेटेड चार इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी बताऊंगा, जिसका पालन अगर आप नहीं करते हो तो आपकी रिलेशनशिप जहरीली बन जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि वीडियो के अंत में आप ये जान पाओ कि क्यों आपकी रिलेशनशिप टॉक्सिक यानी कि जहरीली बन जाती है और कैसे आप उन्हें जहरीली बनने से रोक सकते हो। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप का पहला रूल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज वीटल। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट हमें ये सलाह देते हैं कि रिलेशनशिप में आपको अपने दिल की बात अपने पार्टनर के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें ये बात समझनी होगी कि हमारे पास अभी तक ऐसी कोई पावर नहीं है कि जिसे हम किसी भी इंसान का दिमाग पढ़ सके या किसी की दिल की बात पता लगा सके। तो दोस्तों, इसी वजह से जब तक आप अपनी दिल की बात अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करोगे, तब तक वो आपके दिल के हालात समझ नहीं पाएगा। ये बात हमें समझनी होगी दोस्तों। मगर हम क्या गलती करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि हमारा पार्टनर हमें बहुत प्यार करता है, इसी वजह से वो हमारे दिल के हालात भी जान लेगा। मगर दोस्तों, हर बार ऐसा नहीं होता। आपका पार्टनर भी आखिरकार तो इंसान ही है, इसी वजह से जब तक आप अपने दिल के हालात उन्हें बयान नहीं करोगे, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा। मगर दोस्तों, फिर भी हम यही गलती बार बार करते हैं और हमारी इसी गलती की वजह से रिलेशनशिप में मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होती है, जो इवेंचुअली अगली आर्गुमेंट में बदल जाती है। और दोस्तों, इसी वजह से आपकी अच्छी खासी रिलेशनशिप जहरीली बन जाती है। चलिए इसे मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाता हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा कपल था। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, मगर शादी के कुछ साल बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं था। मगर फिर भी उनका प्यार एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं हुआ। तभी एक दिन हस्बैंड ने देखा कि कोई अननोन इंसान उसकी वाइफ को घर पे ड्रॉप करने आया है और उसे हग करके बाय भी बोल रहा है। हस्बैंड ने बहुत ही कोशिश की कि वो पॉजिटिवली सोचे, मगर बुरे ख्याल आने से वो रोक नहीं पाया। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा और ये सारी बात हस्बैंड देख रहा था। और एक दिन उसकी वाइफ बहुत ही खुश होकर घर आई, हाथ में बहुत सारे फूल और एक बड़ा सा एनवलप लेकर। मगर आज हस्बैंड बहुत ही गुस्से से भरा हुआ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी वाइफ पे चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और बात करते करते उसकी वाइफ को हस्बैंड के हाथ का धक्का लग गया और वो टेबल के साथ टकरा गई। उसे बहुत चोट आई, बहुत खून बहने लगा और दोस्तों, एम्बुलेंस आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। बाद में हस्बैंड को पता चला कि उसकी वाइफ माँ बनने की खुशखबरी देने के लिए बहुत सारे फूल और ग्रीटिंग कार्ड लेकर आई थी, और जिस इंसान से उसकी वाइफ मिल रही थी वो और कोई नहीं मगर उसका कजिन ब्रदर था, जो कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर था और वाइफ उसी से अपने बच्चे के लिए इलाज करवा रही थी। जब हस्बैंड को इस सच्चाई का पता चला तो उसे बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा। मगर अब क्या कर सकते थे दोस्तों, उनकी कम्युनिकेशन गैप और ना समझ की वजह से उसने आज अपनी वाइफ और बच्चे को दोनों को खो दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट हमें ये सलाह देते हैं कि अगर आपके दिल में कोई उलझन हो या किसी चीज को लेकर आप क्लियर नहीं हो, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने पार्टनर को अपना दिल का पूरा हाल बयान कर दो। तभी आपका पार्टनर आपको अच्छे या बुरे हालात में आपको सपोर्ट कर सकता है, आपके दिल के उलझन को वो सुलझा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी गलती कभी मत करना। चलिए दोस्तों, अगली साइकोलॉजी को जानते हैं। नेवर टेक ईच अदर फॉर ग्रांटेड। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट हमें ये सलाह देते हैं कि जब भी आपका पार्टनर आपके लिए छोटी छोटी चीजें भी करे, तो आपको अपना प्यार भरा ग्रेटिट्यूड उनके सामने जरूर एक्सप्रेस करना चाहिए। भले ही उसने आपके लिए एक कप कॉफी बनाने जितना छोटा काम क्यों ना किया हो, आपको ऑलवेज उन्हें फील करवाना चाहिए कि उनके ये छोटे छोटे काम आपके लिए कितने मायने रखते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट सुनने की विश होती है। तो जब भी आप उन्हें उनके काम के लिए अप्रिशिएट करते हो और उन्हें एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देते हो, तब वो बहुत ही ब्लेस्ड और हैप्पी महसूस करते हैं। और इस सिंपल साइकोलॉजी को अपनाकर आप अपने रिलेशनशिप में कड़वाहट का जहर फैलने से रोक सकते हो।
दोस्तों इस साइकोलॉजी को आप आज ही प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हो। इसके अद्भुत परिणाम देखकर आप हैरान रह जाओगे। चलिए दोस्तों अगली साइकोलॉजी को जानते हैं, रिस्पेक्ट ईच अदर्स अलोन टाइम। दोस्तों आप हमेशा अपने लवर के साथ ही रहते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मगर दोस्तों साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हमें एक दूसरे के पर्सनल टाइम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यानी कि आपको एक दूसरे से अलग भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप एक दूसरे के साथ जरूरत से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो वो कुछ समय के बाद इरिटेटिंग बन जाता है। हम एक दूसरे की वैल्यू भूलने लगते हैं, हम एक दूसरे की अहमियत भूलने लगते हैं। चलिए इसे मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट के साथ समझाता हूँ। दोस्तों चाइना में एक रिसर्च हुई थी जिसमें साइकोलॉजिस्ट ने पाया कि जो कपल जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे वो आगे जाकर एक दूसरे की इम्पोर्टेंस भूलने लगे थे, और इसी वजह से बिना सोचे समझे वो एक दूसरे को जाने अनजाने हर्ट करते रहते थे और इवेंचुअली उनकी रिलेशनशिप जहरीली बन गई थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ कैंडिडेट अपने पार्टनर को अपनी पर्सनल स्पेस देते थे और खुद भी अपने पर्सनल काम की वजह से अपने पार्टनर से दूर रहते थे। उनमें साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया कि वो दोनों एक दूसरे के एब्सेंस में अपने लवर्स को मिस करते थे, जिसकी वजह से उन्हें हर बार ये रियलाइज होता था कि उनका पार्टनर उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उन्हें अपने लवर्स की असली कीमत समझ में आती थी। इसी वजह से जब वो कुछ टाइम की जुदाई के बाद एक दूसरे से मिलते थे तब उनमें एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ जाती थी, और इसी वजह से बुरे हालातों में भी वो अपने पार्टनर को कभी हर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अपने लवर्स की असली कीमत की पहचान हो गई थी। तो दोस्तों अगर आप भी अपने पार्टनर को उनका पर्सनल स्पेस नहीं देते हो तो आपकी जिंदगी में भी रिलेशनशिप का कड़वा जहर फैल जाएगा। तो दोस्तों बी केयरफुल अबाउट इट। चलिए दोस्तों अगली साइकोलॉजी को जानते हैं, एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। बहुत से लोगों के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों कि जब भी आप बातें करते समय आपको ये पता चले कि आप गलत हो या आपकी कोई बात गलत है तो अपने ईगो को साइड पे रख कर अपनी गलती मान लीजिए कि हाँ भाई मेरी बात गलत है, कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। मगर आप अपने ईगो को साइड ना रख कर अपनी गलती को नहीं मानते और अपने आप को सही साबित करने के लिए आर्गुमेंट या बहस करोगे तो 100% श्योरिटी है कि आपकी जिंदगी में गंदा वाला जहर फैल जाएगा। तो दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि बहस करने के बजाय अगर आप अपनी गलती मान लेते हो कि हाँ मेरी बात गलत है या मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है और आपके लवर की बात सही है, तो आपका पार्टनर इंस्टेंटली आपकी इस सच्चाई को अप्रिशिएट करेगा। ये मत सोचिए दोस्तों कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से आपकी वैल्यू या स्टेटस कम हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली में आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। उनको पता चलेगा कि ये बंदा बहुत ही ऑनेस्ट है, ईमानदार है, अपनी गलती सामने से मान रहा है, तो आपकी रिस्पेक्ट और लव बढ़ जाएगा दोस्तों। चलिए अभी इस बात को आप अपने आप से रिलेट करके देखो। अगर आपका लवर गलत हो फिर भी वो अपनी गलती मानने के बजाय आपके साथ बहस कर रहा हो कि वो सही है और आप गलत हो, तो आप कैसा महसूस करोगे? क्या आप उनकी इस हरकत से उनकी रिस्पेक्ट करोगे या नफरत करोगे? आंसर आपको खुद पता है। तो यही सेम चीज आपके साथ भी होती है दोस्तों। इसी वजह से दोस्तों इस छोटी सी बेवकूफी की वजह से आपकी रिलेशनशिप में कड़वाहट का जहर फैल जाता है। इसीलिए दोस्तों साइकोलॉजिस्ट हमें फ्लेक्सिबल रहने की सलाह देते हैं और भूलकर भी ऐसी गलती ना करने की सलाह देते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखने हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगले हफ्ते आने वाला जबरदस्त वीडियो आप मिस ना कर दो। तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए फंडो प्रोग्रामिंग एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।